दोस्तों दुनिया ते हरेक बंदे दे आपदे आपदे शौक है। किसी नूं तां घूमण फिरन दा शौक है, किसी नूं कोई व्याहवां च जाण दा, ते किसी नूं कोई नच्चण दा, ते किसी नूं कोई गाण दा। शौक होने भी चाहिए, लाइफ तां ही कटदी है। जे तुहाडे कोल शौक नहीं तां तुसीं कोने च लगे पए रहोगे। अद्धा बीमार दा बंदा बिना शौक तो ही हो जाता है। जां तुहाडे यार दोस्तां च बहन दा भी कईआं नूं शौक हुंदा, चंगी गल है। बंदा इन्ने नाल आपदा आपां कहीए मन की हवाड़ कढ लैंदा, तो थोड़ा जिहा की है खुश रहिंदा भी हाँ मेरी भी कोई कंपनी है। तो घोड़े वाले जिहड़े हैगे उन्हां दी भी कंपनी है बई आपदी, उन्हां दे भी यार दोस्त हुंदे आ। लेकिन वो कित्थे मिलदे आ? घोड़ियां दे मेलियां ते मिलदे आ। तो इसलिए जिहड़े हॉर्स लवर है उन्हां नूं उड़ीक हुंदी आ मेलियां दी भी हाँ मेलियां दे। उन्हां वास्ते तां विआह वर्गा ही प्रोग्राम हुंदा मेलियां ते, खाणा पीणा उत्थे, नच्चना गाणा सारा कुछ। तो मेले ज़्यादातर सर्दी च आंदे आ। तो अज आपां गल कर रहे हैं श्री गंगानगर के मेले की। तो कई वीर ने पूछा, जिवें मैं तुहानूं श्री मुक्तसर साहब के मेले बारे भी दस्या भी किवें बस स्टैंड तो तुसीं बस लैके सीधा मेले च पहुँच सकते हो। तो अज का वीडियो है कि श्री गंगानगर बस स्टैंड जो तुसीं पहुँच जाते हो उस तो बाद तुसीं मेले च किवें पहुँच सकते हो। हजे तक जिहड़ा मेला लगता वो पदमपुर वाले बाईपास से लगता है। बाईपास दे नाल काफ़ी जगह हैगी उत्थे मेला भरदा। ज़्यादातर ये साल के नवंबर महीने दे विच भरदा है, तो बहुत सोहना मेला भरदा है भी। तो जो तुसी बस स्टैंड च पहुँच जाने हो श्री गंगानगर दे, तो बस अड्डे च आ के तुसी जाना है पदमपुर वाली बस से। एक साइड ते पदमपुर वाली बस लगती है, सरकारी बस है ज़्यादातर। तो कोई प्राइवेट बसा भी जांदियां हुण उहदे बारे मैनूं ज़्यादा नहीं पता, लेकिन सारियां बसा ही वो बाईपास से रुक के जांदियां। हुण तुसीं कहोगे कि बाईपास दा, वैसे तो कई बाईपास होणगे हो सकदा, लेकिन ये शहर चों निकलदे पहले ही बाईपास आऊगा जिहड़ा पदमपुर वाला बाईपास कहिंदे आ। उत्थे की है एक रोड सीधी जाती है विच्चे, मतलब चौरस्ता बन जाता। तो उहदे च की है, उत्थे तुहानूं एक होर निशानी दसदा, जे फोटो पई है तां मैं वीडियो च फोटो ला दूंगा, नहीं तो उत्थे की है ना ढाबा है खब्बे पासे बहुत वड्डा, बहुत पुराना ही होगा ढाबा, क्योंकि मैं जदों दा जान लगे चार पाँच साल तो उत्थे ढाबा दिखदा मैनूं। तो वह ढाबे दे पहलां तां दूर जाना पैंदा किलोमीटर, उत्तरो भी ढाबे तो खब्बे हत्थ हो के किलोमीटर जाना पैंदा सी घोड़ा मंडी लई। हुण तां ऐ समझ लो जदों तुसीं ढाबे कोल उतरदे हो और थोड़ा जिहा कोई तुरदे हो तुसीं 300-400 मीटर तो तुहानूं दूरों ही घोड़े दिखण लग जाणगे। उत्थों ही तुहाडा सरूर शुरू हो जू लै भी आ गया अपने मंडी च पहुँच गए। तो इस तरह तुसीं श्री गंगानगर के बस स्टैंड तो सीधा मेले च पहुँच सकते हो बस से, जदों तुसीं कल्ले हो। जे तुसीं 4-5 जाने हो तो फिर बई कई बार आपका व्हीकल लैके आ जाता बंदा, जां उत्थों आटो वगैरह भी चलते है। जे तुहानूं बस नहीं मिल रही तो आटो भी हैगी बथेरे। आटो लई तुहानूं थोड़ा जिहा गांह बस स्टैंड तो उतर के आना पऊगा, उत्थे कई आटो खड़े मिलते हैं, उन्होंने पदमपुर बाईपास कहोंगे, 4 सवारियां नाल होण तां वह भी कोई बड़ा महंगा नहीं पैंदा। तो इसलिए मैं क्या चलो वीरां नूं यह भी दस दिए कि श्री गंगानगर हॉर्स फेयर च किवें पहुँच सकते हैं। अपने चैनल का कम तो ज़्यादा तुहानूं जानकारी देना, तुहाडी हैल्प करना है, तो कि जो कल्ला बंदा घर बैठा ऐ ना सोची जाए कि मैं यार जाना तो सीगा मंडी ते पर खर्चा वाला होगा। तो खर्चा खुर्चा कोई वाला नहीं बई, जितों तुर पोंगे तो सानू फोन ला लो, चाहे असी तुहानू गाइड कर देंगे किवें किवें पहुँचना। तो सस्ते तो सस्ते तरीके नाल तुसी मंडी ते पहुँच सकते हो।